कैसे हो बादशाह भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल डैडीज एक्सप्लेन। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से तुम लोगों को बहुत सारा हैप्पी न्यू ईयर। स्वागत करता हूँ एक मस्ती वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि 2023 में कौन कौन सी मूवीज और कौन कौन सी सीरीज के लिए मैं पर्सनली सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ और तुम लोगों को भी होना चाहिए उसके लिए। तुम लोगों को सीक्वेंस में लेके चलूंगा कि इस मंथ ये आएगी, फिर उसके अगले मंथ में ये आएगी। भाई साहब, इस साल की जो सबसे पहली मूवी होने वाली है ना मार्वल की तरफ से, वो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया है, जो कि 17 फरवरी को आएगी। और भाई अभी इसका ट्रेलर दोबारा आने वाला है, दूसरा 9 जनवरी को। इसका ट्रेलर रिएक्शन भी दूंगा और ब्रेकडाउन भी करूंगा ट्रेलर को। ट्रेलर रिएक्शन और ब्रेकडाउन देखना होगा ना इसका, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। भाई साहब, ये जो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया है ना भाई, यही सबसे ज्यादा मार्वल की पहली मूवी आने वाली है जो कैंग के बारे में बताएगी सही से, और टाइम के बारे में बताएगी जो, और आगे जाके कनेक्ट करेगी किससे, कैंग डायनेस्टी से, सीक्रेट वॉर से और लोकी सीरीज से भी शायद। तो इसके बाद आती है हमारी मार्वल की सीक्रेट इन्वेजन सीरीज, जो की होने वाली है प्रोबेबली 6 एपिसोड की और बहुत ज्यादा मजे दिलवाएगी वाली सीरीज। और टाइम उन्होंने बताया नहीं सही से ऑफिशियली, हो सकता है कि बस ये बताया उन्होंने कि स्प्रिंग के बीच पे गिरेगी। भाई साहब, इसके बाद आती है हमारी DC की 17 मार्च को पहली मूवी शज़ाम द फ्यूरी ऑफ गॉड्स। और मैं भाई इसके लिए पर्सनली खुद ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि उसमें बहुत सारे गॉड्स भी देखने वाले हैं। इसका हाल फिलहाल में ट्रेलर भी आया था और यार मैं शज़ाम 1 से भी थोड़ा सा बस मेरी मिक्स फीलिंग रह गई थी, क्योंकि उन्होंने सुपरमैन का कैमियो सही से दिखाया नहीं था। पूरे एक हफ्ते बाद ना यानी 24 मार्च को देखने को मिलेगी हमें जॉन विक 4, जो कि भाई मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाई थी और मेरी एक वीडियो भी है रिव्यूज है, जिसमें मैंने पूरी 3 पार्ट के बारे में बात करी है, जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और यार हो सकता है कि ये पूरे जॉन विक के जो है यूनिवर्स को थोड़ा सा और एक्सपेंड करे, इसका जो 4th वाला पार्ट है। मैं तो भाई पर्सनली देखूंगा और तुम लोगों को भी रिव्यू दूंगा। तो बाद हमें 7 अप्रैल को देखने को मिल जाएगी सुपर मारियो ब्रॉस, जिसमें हमारे क्रिस प्रैट ने मारियो की आवाज दी है और यार बस मैं इसके लिए मिक्स फीलिंग ही है मेरी। इसके बाद हमारी क्रिस प्रैट की एक और मूवी आती है 5 मई को, गार्डन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और सुनने में ऐसा आया कि ये जेम्स गन की आखिरी मूवी होने वाली है मार्वल के अंदर और गार्डियंस की भी। अब देखते हैं भाई किसकी गार्डियंस की एंड देखने को मिलेगा और किसका अच्छा देखने को मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, वो अलग ही चीज दिखाते हैं। इसके बाद ना हमें 19 मई को फास्ट एंड द फ्यूरियस X यानी 10th पार्ट दिखने वाला है। और यार मैं कसम से बताऊं, मैंने ऐसा कोई सा पार्ट नहीं है फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज का जो ना देखा हो। भाई किसको नहीं पसंद विन डीजल और भाई कार्स वगैरह भागनी, इतने तगड़े तगड़े एक्शन सीन्स, मुझे 9वां पार्ट इसका अच्छा नहीं लगता। पता नहीं इन लोगों ने 9वें पार्ट में क्या करा था, लेकिन भाई 10th पार्ट में तो पूरा हॉलीवुड होने वाला है। विन डीजल सबको लेके आ रहा है, जेसन ममोआ, गैल गैडोट, भाई पूरा DC उठ के आ रहा है। हाँ, इसके बाद ना फिर हमें 2 जून को स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देखने को मिल जाएगी और मैं इसके लिए ट्रेलर रिएक्शन भी दिया था, जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। और यार किसको नहीं पसंद, सोनी पहली बार तो सारे स्पाइडरमैन दिखा रहा, कौन ही देखना चाहेगा। कि पूरे एक हफ्ते बाद ना यानी 9 जून को ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीट्स देखने को मिल जाएगी, जिसमें मैक्सिमल वगैरह और मैंने इसके बारे में जाके बात करी थी, डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोवाइड है, जाके देख लेना, ट्रेलर रिएक्शन दिया था। इसके बाद ना 23 जून को DC की फ्लैश देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स, और सुनने में तो ऐसा आया कि माइकल कीटन का बैटमैन भी देखने को मिल जाएगा और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत अपीयरेंस हो सकती है, यानी कैमियो हो सकता है किसका, बैट एफ्लिक वाले बैटमैन का, अगर उनका कैमियो एक्वामैन 2 में से डिलीट नहीं हुआ है तो हाँ यार लोकी सीजन 2 का क्या होगा, हो सकता है कि हमें ये सीरीज जून जुलाई की छुट्टियों में देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी इसकी डेट कंफर्म नहीं हुई है। जून इतने मजे दे रहा है तो भाई जुलाई कैसे पीछे रह सकता था। हाँ, हमें 14 जुलाई को टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल का 7th पार्ट यानी डेग रिकॉग्निंग का 1st पार्ट देखने को मिलने वाला है, यानी 7.1। मजे की बात बताऊं तुम लोगों को, मैं इस फ्रेंचाइजी का बहुत तगड़ा वाला फैन हूं, सिर्फ टॉम क्रूज की वजह से, जिसका वो एक्शन सीन वगैरह करते हैं ना बिल्कुल रियल वाले। मैंने एक मूवी नहीं छोड़ी इनकी। पूरे एक हफ्ते बाद आती है हमारी यानी 21 जुलाई को ओपनहाइमर मूवी, जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बता दिया, ट्रेलर रिएक्शन भी दिया था और भाई इसके अंदर आरडीजे और शिलियन मूवी होने वाले हैं। हाँ, वही हमारे थॉमस शेल्बी। और भाई मूवी पूरी न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड होने वाली है, तो भाई मैं तो पक्के देखूंगा और रिव्यू भी दूंगा। इसके पूरे एक हफ्ते बाद ना यानी 28 जुलाई को हमें मार्वल की सबसे लास्ट मूवी देखने को मिलने वाली है इस साल की, जो की है द मार्वल, जिसमें कैरल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल और हमारा कमाला खान यानी मिस मार्वल और एक और जो स्पेक्ट्रम नाम करके है, तो ये देखने को मिलेगी हमें। भाई साहब, इसके बाद ना हमें डीसी की एक और मूवी देखने को मिलेगी ब्लू बीटल। अब इसके बारे में ज्यादा मटेरियल आया नहीं है और जैसे जैसे मटेरियल आता जाएगा यानी जिसके बारे में लीक्स वगैरह निकलती रहेंगी, तो हमें इसी बात करते हुए चलेंगे। इसके बाद आती है ना मार्वल की एक और सीरीज, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और हो सकता है ये सितंबर या अक्टूबर के बीच में गिरे, जिसका नाम है आयरन हार्ट। तो इसके बाद ना हमें ड्यून का पार्ट 2 देखने को मिलने वाला है 3 नवंबर को और भाई ये मूवी क्या ही विजुअल्स और क्या ही VFX लेके आती है यार, मैं फैन हो चुका हूँ इसका, मैंने पार्ट 1 भी देख रखा और भाई क्या ये मूवी है। इसके बाद हो सकता है कि मार्वल की एक वेब सीरीज देखने को मिले, आ गया था केवन ऑफ केओस, मुझे तो ये पता नहीं है वो क्यों डालना है, लेकिन फैन बेस डालना है शायद, तो हो सकता है ये हेलीपिन के टाइम पे देखने को मिले हमें। हाँ, मार्वल की एक और टीवी सीरीज है एको नाम करके, जिसके भी रिलीज डेट पक्का ऑफिशियली नहीं निकली है, तो इस वजह से मैं बाद में नहीं करूंगा उसके बारे में। हम लोगों को 2023 की लास्ट मूवी देखने को मिलेगी डीसी की तरफ से 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन, एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम।
तो हाँ, जेसन मोमोआ और भाई एक्वामैन को मैं पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, और पानी के अंदर जो लड़ता है ना भाई, और जो उसकी किंगडम है भाई, मुझे वो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। उनमें तो ऐसा भी आया कि जो हमारे जेसन मोमोआ है ना, वो एक्वामैन का कैरेक्टर हम ना प्ले करें, हो सकता है कि वो बड़े रोल के लिए निकल जाए, जेम्स जोन उनको कुछ और दे दे, शायद लोबो दे दे, लोबो नहीं जानते ना तुम, लोबो को नहीं जानते, कोई टेंशन की बात नहीं है यार, बाद में बात कर लेंगे उसके बारे में। ये तो वो मूवी और टीवी सीरीज थी जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसे तो और भी बहुत सारी मूवीज हैं, जैसे कि एक्सपेंडेबल का 4th पार्ट आने वाला है, सो का भी 10th पार्ट आने वाला है, और भाई क्रेवन द हंटर के बारे में भी कुछ मूवी प्लान कर रहे हैं, और जिसके लिए हो सकता है कि वो अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के लिए सिनिस्टर 6 वगैरह ढूंढ रहे हैं विलन्स वगैरह, और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, मैं जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा पर्सनली एक्साइटेड था ना, यही मूवी और टीवी सीरीज थी जो मैंने तुम लोगों को बताई। तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग सबसे ज्यादा किस चीज के लिए एक्साइटेड हो, चाहे वो मूवी हो या सीरीज हो, चाहे मार्वल की हो या डीसी की भी हो, बताओ तुम लोग। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार ना मार्वल की क्वांटिटी कम है, क्वालिटी ज्यादा है, क्योंकि भाई 3 मूवी है और 4-5 शायद सीरीज है, और भाई थोड़ा सा अच्छा देखने को लग रहा है। मार्वल थोड़ी सी वापसी कर रहा है, हो सकता है कि उसने मेरी वाली वीडियो देख ली हो जिसमें क्वांटिटी ज्यादा क्वालिटी कम थी। मार्वल की बात हुई है तो भाई डीसी की बात भी कर लेते हैं यार, वो भी अपने आपको बहुत अच्छे इतना पुश कर रहा है। जेम्स गन भाई बहुत कोशिश कर रहे हैं सही से करने की, और मुझे उन पर यकीन है भाई। और हाँ, सुनने में तो ऐसा भी आया था कि जो हमारे जेम्स गन है वो डीसी की स्लेट अनाउंस कर देंगे कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है डीसी की, कौन कौन सी मूवीज आएंगी, कौन कौन सी सीरीज आएंगी। देखते हैं फिर 2023 कैसे जाता है मार्वल और डीसी का और अदर मूवीज का। आई होप अच्छा जाए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते नई वीडियो में, टेक केयर, बाय।